मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड माइंड ब्लॉग। ट्रैवल होने वाला है, हम बहुत जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर से अगेन हेलमेट बांधूंगी, देन सुल्तान को नहलाऊंगी। पैकिंग करना टफ है बट मजा भी आता है। और ये जा रहा है हेलीकॉप्टर, और जब तक ये जाएगा नहीं ना दूर, तब तक सुल्तान नहीं आएगा छत। बस बन के बैठ गया, अभी जब लग जाएगा ना शैम्पू फिर नाचेगा। और भी नहीं इसको फिर लगा के छोड़ना होता है। थोड़ी देर थोड़ा बहुत छौंका डाला है राई का। डाइट फ्रेंडली है, इस बैटर में है सूजी दही। नारियल पानी नहीं आ रहा। तू 100 रुपए वाले बॉल से खेल। स्काई में कुछ हो रहा है, तो कौन कौन ये साइन को पहचान पाया है? यहाँ पे रिच है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड माय ब्लॉग। दिस इज योर जसेटी, और अभी बज रहे सुबह के 6, और पैकिंग हो चुकी है मेरी, और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। बस अभी ब्रश ब्रुश किया है, मुँह धोए एंड शूट कर रही हूँ अभी, बिकॉज इसके बाद बहुत सारा काम करना है फास्ट फॉरवर्ड में। शायद ना टाइम ना मिले शूट करने का, बट बीच बीच में ट्राई टू शूट। अभी जा रहे हैं मैं और साहिल दिल्ली। दिल्ली जाना अभी तो श्योर था, और सबसे मेन रीज़न है मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की शादी। उसने मुझे अराउंड 2 महीने पहले ही ये डेट बता दिया था कि कहीं मत जाइयो, बिकॉज तेरा कोई भरोसा नहीं है, तो कभी इधर तो कभी उधर रहती है। तो पता चला कि मैंने तेरे को डेट बताया एंड यू आर लाइक अरे मैं तो यहाँ हूँ, तो उसने मुझे 2 महीने पहले बता दिया था, तो जाना बनता है। एंड सेकेंड रीज़न है बड़े पापा साहिल के। साहिल के बड़े पापा, उनका एक्सीडेंट हो गया है बट ही इज़ फाइन, तो उनसे भी मिलना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बड़े पापा, बड़ी माँ और साहिल की मासी, ये 3 लोग मुझे ऐसे मिले थे मेरे इन लॉज की फैमिली में, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से day 1 बहुत प्यार दिया। जजमेंट इनके अंदर है ही नहीं मेरे लिए कि मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया स्टार्टिंग से ही, तो मेरा एक बॉन्ड इनसे है, तो उनसे मिलने जाना है हमें। एंड थर्ड रीज़न है साहिल के बचपन का दोस्त है अनमोल, उसके पापा नहीं रहे, मतलब ऑल ऑफ सडन एकदम से। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि वी कैन फील यू अनमोल, वो लॉस हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारा मिक्स्ड फीलिंग है, बहुत कुछ है शेयर करने को जर्नी में। तो फिर अभी जा रही हूँ मैं रेडी होने, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। और अभी बस फटाफट मैं निकल रही हूँ दिल्ली के लिए, और सुल्तान बॉस परेशान हो रहा है, ये देखो यहीं पर। और ये हो गई मैं रेडी, सुल्तान नीचे भावो कर रहा है, इसलिए मैं बाकी का शूट गाड़ी में जाकर करूँगी। और हम हो गए हैं रेडी, और अब बस सामान वामान गाड़ी में रख रहे हैं और निकल रहे हैं। ऑल दो हमें थोड़ा और सुबह निकलना था, बट ठीक है, हम 1 आवर लेट हैं, ज़्यादा लेट नहीं है। एंड दिन का जर्नी है, तो इसलिए हमें पता है कि थोड़ा बहुत जैम शैम मिलेगा ही, तो वी आर लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमने ये सोचा है कि हम बीच में हॉल्ट नहीं लेंगे कहीं भी, लेट्स सी। अगर ऐसा मतलब कुछ नीड हुआ तो ऑब्वियसली हॉल्ट लेंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि हॉल्ट ना। हर हर महादेव, जर्नी शुरू हो गई हमारी। तो अब टाइम ब्रेकफास्ट करने का, बिकॉज मॉर्निंग में हमने कुछ नहीं खाया था, बट आई मेक श्योर कि हम हेल्दी खाएं, घर का खाएं और विदाउट हॉल्ट जाएं, तो इसलिए मैंने बना लिया था अपना ब्रेकफास्ट। Did on your heart, I swear, I swear.
At times you make me angry, but I know that it could always be worse, be worse, be worse. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. Now I'm joking, I've been looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many. और बातों बातों में हम पहुंच गए अंबाला। अंबाला पहुंचने में हमें हार्डली 40 मिनट लगता है घर से हमारे। और देखो ये आ गया अंबाला का बॉर्डर, धनुष बड़ा हुआ, बहुत बड़ा सा। लिटरली 40 मिनट्स ना इतने ईजिली निकलते हैं ना, समझ ही नहीं आता यहाँ तक पहुंचने में हमें कि हाँ हम पहुंच गए अंबाला तक। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार, कम्फर्ट के मामले में ना, मैं अभी तक एक्सयूवी के सामने मुझे कोई भी नहीं दिख रहा जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और ये बड़ा अच्छा सा मैंने मोमेंट कैप्चर किया, दिल्ली का बोर्ड लगा हुआ। अच्छा लगता है जब वापस जाते हो अपने शहर, ऑल दो हम वहाँ नहीं रहते हैं, बट हाँ आज भी उस शहर से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। हाँ बट फार्मर तो दिख जाते हैं। एंड वेरी फेमस कूड़े का पहाड़। दिल्ली में हम पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं विवेक विहार, और यही रूट है हमारा। और हर बार जब भी हम इस साइड से जाते हैं तो हमें कूड़े का पहाड़ जरूर मिलता है, कूड़े का पहाड़। सीरियसली come around with the perfect alibi. अभी हाफ एन आवर हो गया और हम ऐसे ही स्लो मूविंग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं होटल। बर्ड्स कितने सारे बैठे हुए हैं गर्मी में भी। इस वाले में हाँ मैं भी तो आया तेरे साथ एक दो बार। हाँ ये आ गया ओल्ड एरिया हमारा, ओल्ड अड्डा। हाँ वो लीला ग्रे और वाइट में, और इधर से आता है हमारा घर इस लेन में। आगे से भी आता है ना सर, दोनों साइड पर लेन ना। और ये रहा हमारा ओल्ड एरिया जहाँ हम पहले रहते थे। इधर लीला पैलेस है, ये कुछ यूनिवर्सिटी खुल गया ना, आईपी यूनिवर्सिटी ना। और इस साइड लेन है, इधर हमारा घर है, ये साइड पे घर है हमारा। अगर टाइम मिला तो जरूर दिखाऊंगी हमारा पहला घर जो हमने पहली बार खरीदा था। और ये रहा होटल लीला पैलेस। पहले तो हम इसी का रूम देख रहे थे बट 11,000 कॉस्ट है और हमें रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम अभी जाएंगे होटल, सामान रखेंगे एंड देन निकल जाएंगे, फिर आएंगे होटल एंड फिर सामान, सॉरी फिर रेडी वेडी होंगे एंड देन फिर निकल जाएंगे। ग्रीनरी बड़ा अच्छा कर दिया ना यहाँ पे, पहले भी था ये वाला नहीं था पहले, जो बाउंड्री बना रखा है। हाँ ये सब तो था बट ये जो स्लैब लगा के बाउंड्री बनाया कर रहा है ये नहीं था। होटल लीला पैलेस, और इस लेन में साहिल मेरे को गाड़ी सिखाता था याद है। लीला के आगे वाली लेन में गाड़ी सिखाता था मेरे को, इस लेन पे भी और उधर जाके भी हम यहीं पे ड्राइविंग सीखते थे पहले, क्योंकि ये वाला लेन ना थोड़ा शांत रहता है रात में,
दिन में भी आपको आइडिया लग जाएगा देख के कि अभी भी शांत है। ये देखो, ये हमारे घर के बिल्कुल पास, यहाँ मैं ड्राइविंग सीखने आती थी रात में, इधर अंदर आती थी। हाँ खाली था इधर तो। हाँ अब तो अभी भी, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था कोई ट्रैफिक। ये फील्ड है ना, हाँ ये बैंक्वेट बन गया था, आई लव इसमें, पहले ये पूरा खाली था, हम इसमें ड्राइविंग सीखते थे। अरे भाई, अरे भाई और ये रहा मेट्रो मॉल जहाँ हम शॉपिंग करने आते थे कोरोना के पहले भी, कोरोना के टाइम पे भी, नो डाउट। बाप रे, बहुत सिक्योरिटी होती थी यहाँ पे, याद है लाइन बाहर से लगना एंड देन मास्क चेक कराना एंड देन अंदर जाना, टेंशन वाला टाइम था। बड़ा आ रहा है इसको भी, बड़ा कर रहा है और मेट्रो मॉल को भी। ये तो बैक साइड लग रहा है मेरे को। ये रहा हमारा होटल जहाँ हम रुक रहे हैं अभी, होटल पार्क प्लाजा। हाँ क्योंकि यहाँ शादियाँ बहुत होती है ना, और ये पूरा एरिया ही उसका है बैंक्वेट का। चलो जी पहुँच गए होटल पार्क प्लाजा। मेरा पहला जॉब इसी में लगा था, मतलब यहाँ वाले सीपी वाले पार्क में, सिटी पार्क था वो, लेकिन होटल सिटी पार्क। और कर गए एंटर होटल में, ग्रीनरी तो बड़े अच्छे है। इतनी सॉलिड हवा चल रही है ना यहाँ पे, मैं सामान निकलवाने आई हूँ। हाँ जी, एक मुझे ना उधर से शेकर होगा वो दे दो आप। हाँ जी थैंक यू। कोट ले लिया, बाकी सामान वहाँ पे वो उधर। हाँ ये ओपन करना ज़रा।